दोस्तों, एडजेक्टिव का ये लास्ट सेगमेंट है, मतलब पांचवां सेगमेंट पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, और देखें एडजेक्टिव के बारे में, सॉरी सॉरी, एडवर्ब के बारे में। एडवर्ब का ये पांचवां सेगमेंट है, एडजेक्टिव नहीं। अब देखो भाई, एडवर्ब में एक शब्द मैंने उठाया, टू, TOO, बड़ा कॉमन वर्ड है यार, सभी लोग बोलते हैं इस शब्द को यूज भी करते हैं, लेकिन बहुत ही गलत तरीके से यूज करते हैं। आपने लाइफ में कितनी बार सुना होगा, मैं आपको बताऊं, कल ही मैं अपने बच्चे के पेरेंट टीचर्स मीटिंग में गया था, मैंने वहां सुना, उस स्कूल की प्रिंसिपल ने कहा, वाओ दिस गाय इज टू गुड, बहुत खतरनाक मीनिंग है, आप कल्पना नहीं कर सकते। अगर किसी को आपने कहा टू गुड, टू हैंडसम, टू ब्यूटिफुल, उस सेंटेंस की मीनिंग इतनी रिडिकुलस है कि आप कल्पना नहीं कर सकते हो। आज आप जानोगे कि कितने रिडिकुलस मीनिंग है, जरा समझना। मैंने लिखा, टू एक नकारात्मक शब्द है जिसका अर्थ होता है जितना कि नहीं होना चाहिए। आई एम टू वीक, इसका मतलब है कि मैं उतना कमजोर हूं जितना मुझे नहीं होना चाहिए। अर्थात आपने कहा आई एम टू हैप्पी, तो इसका मतलब हुआ मैं उतना खुश हूं जितना नहीं होना चाहिए। मेरी बात को समझना आप। कहने का मतलब यह है, टू इज नॉट ए पॉजिटिव कंसेप्ट, टू इज द नेगेटिव कंसेप्ट। TOO ये नेगेटिव मीनिंग देता है अगर एडजेक्टिव के साथ आता है, वाक्य के अंत में आता है तो भी का कंसेप्ट देता है, लेकिन अगर ये एडजेक्टिव के पहले और इजमार वाज वर विल बी के बाद आता है तो ये एक्सेस का मीनिंग देता है। एक्सेस कहोगे सर, एक्सेस मीन क्या होता है? देखे, मैंने कहा टू मतलब एक्सेस, एक्सेस मीन्स अति, अति, सुना होगा आपने, कभी सुना है, संस्कृत में कोटेशन है, अति सर्वत्र वर्जित, हिंदी इंग्लिश में कोटेशन है, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। तो डियर, अति अच्छी नहीं होती, और अति किन चीजों की होती है? निगेटिव एडजेक्टिव, पॉजिटिव एडजेक्टिव अति नहीं होती है। कोई गुड है तो बहुत अच्छा होगा, तो बेस्ट होगा, हम लोगों ने एडजेक्टिव पढ़ा है। कोई ब्यूटीफुल है, बहुत सुंदर है, तो मोस्ट ब्यूटीफुल होगा, मोस्ट गॉर्जियस होगा। लेकिन अगर कोई बुरा है तो वर्स्ट हो सकता है, और वर्स्ट के बाद भी इतना वर्स्ट हो सकता है कि उसे सहन नहीं किया जा सकता है, मतलब ही इज टू बैड। समझना मेरी बात को, कंसेप्ट समझना जरा। हमने लिखा ही इज टू वीक टू वॉक, आप लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो आज पढ़ें। देखें, सामान्य तौर पर टू के बाद नकारात्मक शब्द का प्रयोग होता है, साफ साफ लिखा मैंने, नकारात्मक शब्द, नकारात्मक शब्द मतलब नेगेटिव एडजेक्टिव, गुड इज द पॉजिटिव एडजेक्टिव, बैड इज द नेगेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, मैंने पीछे स्ट्रक्चर दिया है, सब्जेक्ट इज एम आर वाज वर विल बी के बाद टू नेगेटिव एडजेक्टिव, फिर टू प्लस वी वन ऑब्जेक्ट। ठीक है, इस फॉर्मूले पे फॉलो करते हैं हम। देखिए, टू के बाद एडजेक्टिव का जो डिग्री होता है, ये भी समझ लो, हमेशा पॉजिटिव डिग्री होता है, फर्स्ट का प्रयोग होता है, और उसके बाद जो वर्ब आता है, देखो टू प्लस वी वन, देखिए टू पॉजिटिव डिग्री, टू प्लस वी वन, पीछे स्ट्रक्चर पे जाओ, टू हाँ निगेटिव एडजेक्टिव पॉजिटिव डिग्री, निगेटिव एडजेक्टिव पॉजिटिव डिग्री, टू प्लस वी वन ऑब्जेक्ट, राइट। देखो अब आ गया इस कंसेप्ट को देखने के बाद, हमने कहा भाई इट इज टू हॉटर, मैंने कहा नहीं यार टू हॉटर कैसे होगा, हमने कहा ना पॉजिटिव कंपेरेटिव हो ही नहीं सकता, ये हॉटर गलत है, हॉट होगा, इट इज टू हॉट टू गो आउट, आपने पढ़ा होगा, रिमूव टू, रिमूव टू मतलब किसी सेंटेंस से टू को हटाना है तो कैसे हटाना है? देखिए सेंटेंस, ही इज टू वीक टू वॉक, वीक इज द नेगेटिव एडजेक्टिव, ठीक है, तो ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक, ध्यान देना मेरी बात को। टू अपने आप में नकारात्मक होता है, उसके साथ जब उसकी मीनिंग बदलती है तो नॉट अपने आप आ जाता है, इसलिए टू सेंटेंसेज में, टू वाले सेंटेंसेज में नो या नॉट नहीं लगाते हैं, वो अपने आप छिपा रहता है। हाँ, जब उसे सो लगाया, सो में कन्वर्ट किया, जब रिमूव टू, टू को हटाया और सो लगाया, तब आगे हमने नॉट लगाया,
देखिए यहां पे तो नो नॉट लगा ही नहीं है, फिर भी ये मीनिंग देता है। इसका मतलब क्या है पता है? वह इतना कमजोर है कि चल नहीं सकता, नहीं अपने आप आ रहा है। देखिए यहां नहीं की मीनिंग है नहीं, लेकिन आ रहा है। नो और नॉट छिपा रहता है इसमें, ध्यान दीजिएगा। तो आज से आप लोग इस कंसेप्ट को रख लो कि टू के साथ पॉजिटिव एडजेक्टिव का प्रयोग नहीं करोगे, टू के साथ निगेटिव एडजेक्टिव का प्रयोग करोगे। कभी भी किसी व्यक्ति को नहीं कहोगे टू हैंडसम, टू बैड होता है, टू अगली होता है, टू फैट होता है, ये सारी चीजें नकारात्मक है। हाँ, टू स्मार्ट नहीं होता है, टू इंटेलिजेंट नहीं होता है। आप कभी मत कहना कि ऐश्वर्या राय इज टू ब्यूटीफुल, इस सेंटेंस की बहुत खतरनाक मीनिंग है। इसका मतलब हुआ ऐश्वर्या राय उतनी खूबसूरत है जितनी उसे नहीं होना चाहिए। क्या मतलब है यार, क्या मतलब इस सेंटेंस का? आप बताओ, आपने कहा दैट बॉय इज टू इंटेलिजेंट, मतलब वो लड़का जो है इतना तेज है जितना उसको नहीं होना चाहिए। ऐसा होता है क्या? नहीं हो सकता है यार, आप खुद सोचो यार, रिडिकुलस है। लेकिन आपके टीचर्स मैम्स स्कूल्स में मिल जाएंगे आपको, लोग बोलने वाले वाओ टू गुड, वाओ टू स्मार्ट, वाओ टू इंटेलिजेंट, वाओ। क्रिकेट के कमेंट्री में मिल जाएगा वाओ व्हाट टू गुड यार, टू गुड शॉट। हाँ, गलत है यार, नहीं होता। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। अब देखिए अगला शब्द हमने उठाया एडवर्ब में, यूजेज ऑफ वेरी और मच। ध्यान देना, बड़ी छोटी बात है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण चीज है। वेरी के बाद फर्स्ट डिग्री आता है, वेरी एडवर्ब है। राम इज वेरी गुड, आपको बताया था। हेल्पिंग वर्ब इज अमार वाज वर्ब, एडजेक्टिव के बीच में एडवर्ब आता है, सही है। मच के बाद सेकेंड डिग्री एडजेक्टिव आता है, राम इज मच बेटर। मच बेटर होता है, मोर बेटर नहीं होता लेकिन मच बेटर होता है। ठीक है, अब जैसे लिखा सी इज मच मोर ब्यूटीफुल, होता है, सही है, मच मोर ब्यूटीफुल, सही है। ठीक है, तो वेरी और मच का कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। अगला उठाता हूँ, फेयरली बहुत हद तक, रैदर बहुत हद तक, दोनों की मीनिंग सेम होती है। फेयरली का प्रयोग सकारात्मक संदर्भ में होता है, जैसे आपको कहना हो, फिर मैं यहां समझाऊंगा। सकारात्मक मतलब पॉजिटिव के लिए, आपने कहा मोहन इज फेयरली इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट सकारात्मक संदर्भ है, सही है। यहां आप रैदर ना लगाना, लेकिन हाँ रैदर का प्रयोग नकारात्मक संदर्भ में होता है, अर्थात आप यहां पे लगाओगे, देखो नकारात्मक संदर्भ, वीक, वीक मतलब कमजोर, नकारात्मक, राम इज रैदर वीक एट स्टडीज। ठीक है, मतलब राम बहुत हद तक कमजोर है, यहाँ पे राम मोहन बहुत हद तक तेज है, राइट ना, मीनिंग समझना जरा। फेयरली पॉजिटिव के साथ, रैदर निगेटिव के साथ। आगे बढ़ता हूं, एनफ शब्द, एनफ शब्द एडजेक्टिव भी होता है और एडवर्ब भी। जब एनफ शब्द एडजेक्टिव की तरह कार्य करता है तब इसके बाद नाउन का प्रयोग होता है, समझना मेरी बात। आई हैव एनफ बुक, देखो एनफ एडजेक्टिव है, बुक नाउन है, यहां पे टू रीड। ठीक है, समझना। जब एनफ शब्द एडवर्ब की तरह कार्य करता है तब यह एक अपवाद होता है, और जब एनफ शब्द के साथ एडजेक्टिव लगाने की चर्चा हो तब एडजेक्टिव का प्रयोग एनफ के पहले करना चाहिए, एनफ के पहले करना चाहिए। बड़ा कंसेप्ट एक्सेप्शन होता है, देखिए यहां एनफ के पहले करना चाहिए, नाउन बाद में। गुड एनफ, एनफ गुड नहीं होता, ब्रेव एनफ, एनफ के पहले करना चाहिए। देखिए आप, यदि किसी वाक में एनफ शब्द दिखाई दे तो हमें एनफ के दाएं बाएं वाले शब्दों को जांचना चाहिए। ठीक है, हाँ देखिए लिखा है राम इज enough intelligent to solve this question, Ram is enough intelligent to solve this question, Ram is intelligent enough to solve this question। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? अब देखें निर्णायक कंक्लूजन कंसेप्ट पे पहुंच रहा हूं मैं, मेरी बात को समझना। इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट वर्ब, क्या क्या मतलब नाउन, कैसे मतलब एडवर्ब, क्या मतलब नाउन, कैसे मतलब एडवर्ब। आई हैव क्या, बुक्स टू रीड। ठीक है, ही डिड द वर्क, क्या क्या किया, काम किया, ही डिड द वर्क नाउन, कैसे किया, क्विकली एडवर्ब। ही डिड द वर्क, क्या नाउन, कैसे किया एडवर्ब। ठीक है, आगे आता हूं। He solved immediately the question.
उपरोक्त वाक्य में एडवर्ब के बाद नाउन का प्रयोग हुआ है, जो कि एक भूल है, भूल है डियर, ठीक है। उपरोक्त वाक्य में एडवर्ब के बाद नाउन का प्रयोग हुआ है, देखिए एडवर्ब नाउन गलत है, एक भूल है, ठीक ना। क्योंकि फिर बात मैं कहा ना, मुझे पूछना है हु सॉल्व, उसने सॉल्व किया, क्या किया सॉल्व, क्या मतलब नाउन, नाउन को इधर लाओ, नाउन को इधर लाओ, मतलब द क्वेश्चन आर्टिकल नाउन, क्वेश्चन नाउन, क्योंकि यहां आर्टिकल लगा, आर्टिकल हमेशा नाउन के पहले आता है, इसे यहां उठा के ले आओ। और कैसे किया, तो इमीडिएटली इसे इधर ले जाओ, तब एडवर्ब होगा, नहीं तो ये सवाल गलत है। ही सॉल्व्ड द क्वेश्चन इमीडिएटली होगा, मैंने कहा ना ही सॉल्व्ड, क्या नाउन, कैसे एडवर्ब, ठीक है। हाँ आगे देखें, आई सॉ, क्या राम, क्या वॉकिंग नाउन, कहां देगा, ऑन द रोड, अच्छा आई सॉ राम, क्या प्लेइंग नाउन, वर्ब में आएंगे नाउन होता है, क्रिकेट, क्या क्रिकेट नाउन, ठीक है, ठीक। यहां पे एडवर्ब सेगमेंट खत्म होता है, मैं समझता हूं।